बुआ जी आ गई? नहीं नहीं आए, स्टेशन पर इंतजार कर रहे तुम्हारे दूल्हा का। सामने थाड़े हैं फिर भी दिखने रहे, फालतू सवाल बकवास किए जा रही हो तुम। बुआ जी माफ कर दीजिए, बुआ जी स्टेशन पर तो लेबे आए नहीं दामाद जी, अब सामने देखकर बुआ जी हो रहा है। बुआ जी आप खड़ी काहे हो, बैठ काहे नहीं रही? तुम्हारे सर पर बैठ जाए, कछु है इतने बैठवे के लाने। भैया पप्पू। हाँ बाबा। यात्रा कैसी रही बुआ जी आपकी? काय बिना टिकट सफर कर रहे हते जो हमारी यात्रा खराब हो जाती? कहना का चाह रहे तुम हमसे हैं? अच्छा एक बात तो बताओ दामाद जी, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बने हते जो तुम स्टेशन लेबे नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, हम आई रहे थे। उत्ते में नेचर को कॉल आ गयो, उत्ते में आप आ गई। और ट्रेन जो ससुरी हमेशा लेट हो जाते, आज बिफोर टाइम आ गई। अच्छा बिफोर टाइम ट्रेन आ गई, जामे भी हमारी गलती है। हम जी नहीं कह रहे। कहना का चाह रहे बोलो, कैसी बात कर रहे, चाहत का हो तुम? सरला अगली गाड़ी से चले जाए वापस का हम। ओए चोर की तरह किते भागे जा रहे थानेदार साहब? वो बुआ जी अपने पल्ली पार है ना परीक्षा डैम, उते ट्रक पलट गाओ तो तुम जे हो तो ट्रक सीधो हो जे काय। बुआ जी आप फ्रेश हो लो। क्यों हम गंदे लग रहे का? अम्मा के बोल बे का वो मतलब नहीं है बुआ जी, हम आपके खाबे के लाने कछु बना दे। हाँ तमीज सल्ला, बहु को तनिक तमीज सिखा दो तुम, बिना नहाए धोए कछु खाओ है कभी हमने? मैं गरम पानी की रॉड लगा देता हूँ। रुको तनक भाई रुक जाओ। अरे कितने जाड़े आए और चले गए हैं, राजकुमारी के मजबूत शरीर ने कभी गरम पानी को सहारो नहीं लाए। तुमने तो बहुत ही गलत इल्जाम लगा दो हमारे ऊपर, और एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब है, आज के बाद जा घर में कोई भी गर्म पानी से नहीं नहाएगो। और पानी गर्म करने को भगोना और रॉड उठा के फेंको, और सब आज से ठंडे पानी से नहाएंगे। हटो इतने ऐसे तुम। ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। सही में एकदम तीर जैसे जवाब देते हैं आप। बोलत का चोर है उन लेके खत्म और जाते हैं। हाँ। यही तो आर्ट है। हाँ। वैसे असर तो तुम पे भी पड़ो है तनक सोन को। तुम हर बात में हमें काहे के लाने घसीट ले। अम्मा 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 बाबूजी मजाक कर रहे हैं, लड़बे की नहीं है अभी। अम्मा हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। काहे वैसे तो गुड़िया की बहुत है चिंता रहती है, अब कुछ दिन ठंडे पानी से नहा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ तो कोई और तरीका भी तो हो सका था। तो कोई और तरीका इतने सालन से बताओ काहे के लाने नहीं। बिल्कुल तकलीफ नहीं झेल सकत तुम लोग तो। अरे जे भी तो सोचो कि जे शक्ति गुड़िया को सुधारने के काम भी आएगी। ओ, नहीं सही कह रही भाई, अम्मा सही कह रही, हम सभी लोगों को सबर रखने की जरूरत है। अच्छा सुनो गुड़िया अभी तक पड़ी पड़ी सो रही, उठा दो उसको। नहीं नहीं रहने दो, सोने तो बेचारी को, बाद में पता नहीं क्या हालत हुई उसकी। अरे बुआ जी गुस्सा करेंगी, जाओ उठा दो। लो खाना भी तो बनाना, इन बातन के चक्कर में भूल गए। गुड़िया गुड़िया उठो उठो गुड़िया, राजकुमारी बुआ आ गई है। गुड़िया उठो जल्दी नीचे आओ। हाँ हाँ देर रात तक जगे हैं, अब नहीं आ रहे हम, नींद पूरी होगी भाई के बाद आएंगे। अब राजकुमारी बुआ से मिलवे के लाने फ्रेश भी तो दिखना चाहिए ना, तभी तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर गुड़िया इतने देर सोगी तो बुआ बहुत ही गुस्सा होंगी। हाँ काय को गुस्सा होंगी, हिटलर है कबे, अब नींद आ रही है तो सो रहे हैं, माँ में बेचारी इनकी का गलती। राजकुमारी बुआ नहा के निकलने वाली होंगी, जाने किसकी आफत आएगी। जिजी सावित्री जिजी, अरे ओ सावित्री जिजी।
छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे हमारे लड्डू गोपाल छोटी छोटी गैया। अरे जय मरती कब से पड़ी पड़ी सूख रही है। इनकी तो प्राकृतिक चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी। नहीं नहीं दिखाई देते कछु न कानते सुनाई देते। पहले तो 24 घंटे को उपवास करनो पड़े उनके बाद कड़वे काढ़े। नहीं नहीं कभी कभी हमें सुनाई दिखाई देते कछु कछु। को है राजकुमारी? हो राजकुमारी आए हम। पहले 24 घंटे को उपवास और उके बाद काली मिर्ची और कड़वे करेले को अर्क। पर पहले उपवास करवा के रहे तुमसे। बुआ चाय होगा? होगा तो जाओ अपनो काम देखो। काश हम भी देख पाते अंदर का चल रहा है। जी जी एक छत पर चल के देखा का चल रहा है। उत्ते से भी कुछ ना दिखे है कमला। मुझे तो जे समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी बुआ का इतना झेल काय रही है। राजकुमारी बुआ का स्कूल है बहुती में, अकेली है और बसियत कर रखी है कि मरबे के बाद सब कुछ सरला को मिल जाए। ये सच्ची जी जी? हाँ पर इन्हें धमकी दे रखी है कि बसियत कभी भी बदल सकती है। बदल जाए तो मजा आ जाए। ए जे लोग ऐसे हैं कि लेट के आंखों से नमक उठा ले अगर राजकुमारी बुआ बोल दे तो, पर बसियत नहीं बदलने देंगे। गुड़िया काय कछु होश है तुम्हें? का उम्र है तुम्हारी? हमारी 25 के होवे में पूरे 40 दिन रह गए हैं। वैसे आप हमारे जन्मदिन की खबर काय ले रही बुआ जी? काय जे उम्र है तुम्हारी मुंह से पिचकारी छोड़बे की? पिचकारी छोड़बे की भी कोनो उम्र होते का? जब मन करे हो पिचकारी छोड़ दो मजा ही तो आता है। तुम्हें पता है हम यहाँ काय के लाने आए हैं? हाँ हमें पता है आप हमें के लाने तो बुलाई गई हो। आप पिछली बार जब आई थी आप हमसे मिल नहीं पाई थी ना। जैसे ए सीधे खड़ी रहो तुम जे हिल काय रही। अरे हमारी बोली बुआ हम नहीं हिल रहे आप हिल रही। आपसे किने कही थी हमें पहिए वाले पट्टे पे खड़े होने की? बिल्कुल ठीक है। आपको खेलवे को इतना ही मन है तो हम इसे कह देती अपन दो जने मिलके खेल लेते। आप ऐसे अकेले खेल रही थी और देखो तो तस्वीर भी टूट गई। अब अम्मा बहुत गुस्सा करेंगी हमारे ऊपर। चुप रहो बहुत बोला था तुम। ओ गुड़िया अब जा मैं हमने का गलत बोल दो। सिर में का होगा कछु समझ में नहीं आ रही। काय पिरा रहो तो अब जिया को पता नहीं का होगा। अरे दामाद जी जी आप का कर रहे हो? वो बुआ जी वो हम पीसने जा रहे थे तो इनने हमसे छीन ली कि हम ही पीसेंगे चटनी बुआ जी के लाने। तो ये तो सरासर काम चोरी आए। घर में इतने बड़े बड़े काम डले पड़े और जे काम से बचबे के लाने इतने चटनी बांटने बैठ गए। और मोड़ी
तुम्हारी जवान मोड़ी घोड़ी नाई इतने से उतर कुदक्के मार रही, बाकी तुम्हें कछु चिंता नहीं है। इतने चटनी बाटी जा रही है, उतने चाय उड़ाई जा रही है। बुआ जी, हम लोगों ने कितनी कोशिश करी पर बात की तो बन ही नहीं पाता। कैसे बने? तमीज तो तुमने सिखाई नहीं है मोड़ी रत्ती भर। बुआ जी, जैसे तो आपको इतने बुलाओ है। अरे हाओ, जब केस हाथ से निकल गाओ तब तुम लोगों ने हमें याद कर ली। हाँ तो आदमी कड़वा काढ़ा तो तभी पिए थे ना जब तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ जाते। जी, घर की साफ सफाई तुमने कब से नहीं करवाई बताओ? अभी तो करवाई थी दीपावली पे बुआ जी। लग तो नहीं रहा हो घर देखकर। और जी बताओ कौन ने करी सफाई? लोग बुलाए थे बुआ जी, पैसे दे के मजदूर। जे काम मजदूरन से होते, अरे खुदाई को लगन पड़ता है जा साफ सफाई के लाने। अब तुम एक काम करो दामाद जी, उठ लो और जाके हैंडपंप से बाल्टी लेके पानी भरो और लग जाओ धुलाई करवे। हम नहीं तो कहा हम, उठो जल्दी चटनी ना बांटो। और तुम थाली थाली हमारा मौका देख रही है पीले चावल ने? चलो चटनी बांटो, इतने उठ लो। हमारा तो जी सर में पत्तों में कहा है। एक कड़वी काहे लग रही है? अरे वो अम्मा की झूठी जो है, कड़वी तो होगी। सरला की झूठी चाय हमें पिलाई जा रही है। तू कहाँ करते? वो आते ही बाहर बैठी थी, कैसे बनाते? और अम्मा ने थोड़ी सी चखी थी, लाओ कहो तो फेंक। नहीं नहीं नहीं, रहने रहने, वैसे भी हमारी प्यारी बहू की झूठी जो है। अच्छा जिया, जल्दी जल्दी पी लो, नहीं तो बुआ आ जाए। अंधे, हमका डरत है क्या उससे? कैसी थी? तुम्हें इनसे इतनी दिक्कत आए तो इनको गलो ऐसे ही दबा दो। जी चाय पीवा पीवा कर मारवे पे काय तो लियो? हम तो मना करत रहे, यही जबरदस्ती पिला रही है हमें। उठाओ कप, उठाओ। और सुनो, हमारे लाने इलायची की अच्छी चाय बना के लाइयो। चलो राज, तुम्हारे लिए ये जहर ना है। अच्छा, हमें लग रहा हो तुम्हारे कान जरूरत से ज्यादा सही काम करने लगे हैं। गरम तेल डालने पड़ेगा, 24 घंटा को उपास हमाओ नहीं तुमाओ आए चिच्ची, समझी? हाँ समझी। अब यही बैठे रहोगी? नहीं, जा रहे हैं। पर एक बात ध्यान से सुन लियो हमारी, उपास है 24 घंटे को, और तुमने कछु भी खाओ ना तो हम से बुरो कोई नहीं हुई है। चला पे, दुनिया जानत है इससे बुरो कोई हो भी नहीं सकत है दुनिया में। गुड़िया कहा है बिटिया, क्या करती हो तुम? ओ भैया, अब कहा हम अपने बाबूजी के साथ खेल भी नहीं सकते, हमारे प्यारे बाबूजी। हम तो इतने बैठेंगे। बुआ जी के साथ क्या किया तुमने? उनका सिर फोड़ दिया। बाऊजी, ऐसे को खड़े होते आके सीधे पहिए वाले पटे पे? बाऊजी जो कहो कि जा बहाने बुआ जी के सिर को टेस्ट होगा, वो भी फ्री में। वो तो ही मजबूत सर है हमारी बुआ जी को। पर ना जे हमारी पेंटिंग गिर के टूट गई बाऊजी, जे थोड़ी कच्ची निकली बुआ जी के सर के मुकाबले में। हम तुमसे जे कहवे आए थे कि बुआ जी से थोड़ा अच्छे से पेश आई हो, उन्हें हल्के में नहीं लियो। बाऊजी, आप इतनी सारी सिड्डी चढ़ के इतनी दूर से बच्चे कहने आए थे, और उन्हें हल्के में कैसे ले सकते हम, वे तो इतनी भारी हैं। अरे बेटा, को के वजन के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अब वजन है तो है, बा में छुपाने वाली का बात है। बाऊजी, ये तो गर्व की बात है कि उनके शरीर में इतनी ताकत है, तो सारो बेट इकट्ठा करके भी सीधी खड़ी रहती है। तो का अब हम तो देखो जे भी भूल गए कि हम तुमसे का कहने आए थे। आप हमसे जे कहने आए थे ना कि बुआ जी के साथ अच्छे से पेश आना। बहुत ही बिकट है बे। देखो बाबू जी, बिकट हो या सरल, हमें उनका मन मोहना अच्छे से आता है। और तो और, हमने पूरी प्लानिंग भी कर रखी है। उड़िया, वैसी वाली नहीं। तो फिर कैसी वाली? वो तो जब हम करेंगे तब खुद देख लेना।
सरला, ये चटनी बांटने में अपनी जवानी खर्च न करो और जो काम करने हैं वही कर डालो। का बुआ जी, अपनी मौरी को दिमाग ठीक करो। हम बा से मिलने ऊपर गए और बा अबे लो हमसे मिलने नीचे नहीं आई। कहाँ गई तुम्हारी मौरी? इतने है बुआ जी। बुआ जी इनसे मिलो, ये है हमारी सहेली राजकुमारी। तुम नीचे आओ। इकी डोर हमारे के हाथन में है, आपने बोला नीचे लेने के लिए, जे लो ले ली नीचे। नीचे आओ जरा, आओ तो तुम। हाँ हाँ आ रहे। ये भगवान, ये तो बहुत ही बेलगाम हो गई सरला। जय के लाने तो आपको बुलाओ है बुआ जी, ठीक कर दो जाए। हाँ अब तो हम ही को ठीक करके ही जाए, तैसे नहीं तो नहीं जाए। हे राम, तमीज सीख लो मौड़ी। ब्रेक ही तो लगाओ है अम्मा, ब्रेक लगावे में का तमीज। बुआ जी से ऐसे ऊंचा पर चक्के बात नहीं करो। काहे नहीं करे अम्मा? अब तो इनकी अक्ल ठिकाने लगा के ही जाए तैसे हम। रहन दो बुआ जी, जी हमसे ऐसी बात करती हमेशा से। अरे बे हमसे नहीं कह रही, तुमसे बोल रही है। हम इनसे नहीं, तुम ही से कह रहे। सुन लो अम्मा, तुम ही से कह रही और ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जाए देख के तो हमें समझ में आ रही कि इतने सालों में तुम लोगों ने घास ही छीली बस। अरे भैया बुआ जी, अम्मा के तमीज मारे चक्कर में हम अपनी प्यारी बुआ जी से गले मिलना तो भूल ही गए थे। मतलब हमारी अम्मा की प्यारी बुआ जी। का खा के पैदा करो जा तूफान है तुमने। तेरा तो बुआ जी को बहुत ही है। ओ का पता जावा सही में बात बन जाए, उसके बाद संगीता बार में पार्टी करें अपन। कौन सा बार? संगीता? नहीं नहीं संगीता बार नहीं, आरती बार। होते नाच भी होते हो, एक साथ चार चार नाचत। ओ क्या बात है, किस्मत किस्मत की बात है जो। तो किस्मत तो आपकी भी एवन है भाई। अब भी आ रही, तुम किधर डोल रही घूम रही? अरे हमें घर में बहुत ही टेंशन हो रहा हो तो कि बुआ जी पता नहीं का हाल कर हैं गुड़िया को, सो हमने कही कि आरती बार। हमने कब कही आरती बार में जाने की सोच रहे हैं? ओ भैया तो हमने भी कब कही कि तुम उतर जावे की सोच रहे? कहियो भी नहीं, हम जेल जाम सहन नहीं कर पाएंगे बता रहे। ए, तुम तो बुआ के चक्कर में कुछ ज्यादा ही चकरा गए हैं। अरे आप इन्हें छोड़ो, हमसे बात करो आप तो। गोलगप्पा खाएंगी समधनी? हम आपको मना कर सकते हैं का समधी जी? रोक रहा है हमको समाना। क्या सब मीठो लेंगे के ठीक हो? जैसो आप खिला दो। यार सुनो भैया, मीडियम बना यार एक बढ़िया। रोक रहा है हमको समाना, दूर ही रहना पास न आना। माले पानी गरम कर दो ना, हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। सवेरे से ना ऐसे ही हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पर रॉड तो बुआ ने छुपा दी है। बेबी भगोने में गरम कर दो ना प्लीज। तो क्या तुम रात में हमारे लाने नए गाने पे डांस करोगे? हॉट वाला? अरे हॉट कोल्ड सब कर देंगे, पहले हमारे लिए पानी तो हॉट कर दो हमारी हॉट बीवी है। इतने क्या कर रहे हैं आप लोग छुप छुप के? काय को चुप हो जाए भाभी, पागल है क्या? वो आ जाएगी समझा करना। जो तो और अच्छा है, बेबी तो देखे कि आप लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे। हाँ
हम सब देख रहे थे अंदर से, का ऊटपटांग हरकतें चल रही है थे? नहीं नहीं नहीं, तुम में बिल्कुल संयम नहीं है पप्पू। एक बात कान खोल के और सुन लो, आज से ही हम स्वीटी के कमरे में सोए। हाँ पप्पू, तुम आंगन में सो जाके, समझे? बुआ जी, संयम तो हम में भी बिल्कुल नहीं है। आप हमारे कमरा में सो जाओ ना प्लीज। तुम हमारा मजाक उड़ा रही गुड़िया। हम आपको मजाक काहे खिलाने उड़ाएंगे, हमें तो पता है कि आप हमें खिलाने बुलाई गई हो भोती से। बहुत समझदार हो गई हो गुड़िया तुम तो है। सही में बुआ जी, आपको समझदार लग रहे हैं हम। मतलब हम समझदार हो गए? अरे वाह, अब तो हमारी अम्मा कितना खुश हो जाएंगी कि हम समझदार हो गए। हमेशा हमसे यही कहती रहती, गुड़िया तनक समझदार हो जाओ, तनक समझदार हो जाओ। और देखो तो बुआ जी, हम कितने समझदार हो गए। सब समझ रहे हम तुम्हें गुड़िया। हम है ही इतने आसान बुआ जी, बिल्कुल पांच के पहाड़े के जैसे। पांच एकम पांच, पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौको बीस। मस्ताने मोड़ी जितो मस्तानो है। कल से हमारी कक्षा में पढ़ोगी ना तो जितने पहाड़े आते हैं ना सब भूल जाओ।